है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। वेद पुराणों से लाए, वेद पुराणों से लाए, इसे करने जन कल्याण। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आचार्य राज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। जीवन में अनेकों समस्याएं हैं, हर प्राणी किसी ना किसी समस्या से परेशान है। किसी को व्यापार में समस्या है, तो किसी को शादी की समस्या या संतान सुख की समस्या है। पर अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य राज मिश्रा जी ने अनेकों वर्षों की साधना कर आपके लिए सिद्ध किया है पावनकारी मंगलमय व जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने हेतु श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो आज ही श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाएं और अपने कष्टों को दूर भगाएं। संपर्क करें 9540836469, 9821533727, 9953333103। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिव्य ज्योतिष ज्ञान में, और मैं हूँ आपके साथ शिखा। दर्शकों, ज्यादा देर ना करते हुए स्वागत करते हैं हमारे साथ उपस्थित आचार्य राज मिश्रा जी का, जो कि आपको ज्ञान प्राप्त कराते हैं श्री रामचरितमानस का। आपको बताते हैं वो अचूक चौपाई, आपको बताते हैं अचूक उपाय कि अगर आपके जीवन में जो परेशानियां लगातार आपको सता रही हैं, उसका निदान क्या हो सकता है, समाधान क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। हमेशा की तरह जैसे कि मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि समस्या हम सभी के जीवन में बनी हुई होती है, उसका समाधान हम कैसे प्राप्त करें श्री रामचरितमानस के माध्यम से। तो आज का प्रश्न मेरा सरल सा है। व्यापार अक्सर लोग करना चाहते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं व्यापार में, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाता, व्यापार चल नहीं पाता। क्या कुछ कारण होते हैं या फिर ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा होता है, ये मैं आपसे जानूंगी। शंभु मंत्र मोहि बिजबर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विध कीन्हा। भगवान शंकर ने जो मेरे अंदर प्रेरणा उत्पन्न की है, जो इस संसार में जो मैंने एक उद्देश्य बनाया है कि सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकश्य दुख भाव। भगवान शंकर के अंदर जो मेरे मन के अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न हुई है कि इस संसार के दुखों का निवारण करके इस संसार को सुख समृद्धि प्रदान की जाए, और जब तक ये संसार सुखी नहीं होगा, जब तक ये श्लोक सिद्ध नहीं होगा कि सर्वे भवन्ति सुखिना, ये संसार सुखी हो जाए, तब तक मैं रामचरितमानस से आपके जीवन को सुधारने के लिए अथक प्रयास करता रहूंगा।
बात कर रहे हैं व्यापार की, तो आइए सबसे पहले समस्त विघ्नों को निवारण करने वाले, अष्ट सिद्धि नव निधियों को देने वाले भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हैं कि इस कार्यक्रम को सुनने से आपका जो व्यापार है वो सुधर जाए। उसके बाद मैं व्यापार से संबंधित ग्रहों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। हो मनो जवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आपका प्रश्न था कि व्यापार के लिए क्या किया जाए, व्यापार के लिए कौन सी परिस्थिति जिम्मेदार होती है, कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा और आप सभी को बताना चाहूँ कि हमारे जो सूर्य आदि नौ ग्रह हैं वो हमारे एक एक कण में व्याप्त हैं, हमारी एक एक एक्टिविटी में, एक एक चीज़ में उनका प्रभाव होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, व्यापार से लेकर के परिवार तक, सभी चीज़ों में व्याप्त होते हैं। आपके शरीर के एक एक चीज़ में वो व्याप्त हैं। तो सूर्य आदि नौ ग्रहों के कारण ही हमारे मन में व्यापार करने और ना करने की क्षमता जागृत होती है। सूर्य चंद्र मंगल राहु चार पूर्ण परमात्मांश ग्रह हैं। जब इनका हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव होता है तो हम व्यापार के लिए अग्रसर होते हैं और तब हम व्यापार करते हैं। लेकिन यदि व्यापार में किसी प्रकार का अवरोध आ रहा हो, यदि इन ग्रहों की परिस्थिति थोड़ी सी भी खराब हो, तो हमारा व्यापार सही ढंग से चल नहीं पाता है। उस व्यापार को सही ढंग से चलाने के लिए श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच एक बहुत ही अच्छा उपाय है। जी बिल्कुल आचार्य जी, यदि श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच अगर हम अपनाते हैं तो व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित तौर पर उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर आचार्य जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं करनाल से बोल रहा हूँ, आचार्य जी से बात करनी है। जी आचार्य जी, आपको सुन पा रहे हैं, प्रश्न कीजिए। आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते भैया। आचार्य जी, मैंने आपके रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगाया, मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके सिद्ध कवच मेरे लिए, मेरे जीवन में, पता नहीं, इससे मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान था अपनी कुछ समस्याओं को लेके, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अब ये सिद्ध कवच धारण किया है और सिद्ध कवच के हिसाब से मुझे बहुत बहुत ज्यादा लाभ है। मैं आपका तहे मन दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस चीज़ को बताया, जिनसे हमें एक धर्म के मार्ग पर चल करके, इस रामचरितमानस के मार्ग पर चल करके, और जो हमारा एक उद्देश्य था सर्वे भवन्तु सुखिनः का, उस पर हम अग्रसर हो सकें, आगे ज़्यादा मेहनत करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचा सकें। तो मैं इसी प्रकार हर कार्यक्रम में अपने दर्शकों को ये चीज़ कहता हूँ कि क्यों निराश हो रहे हैं, व्यापार में क्यों निराशा झेल रहे हैं। आपके व्यापार की एक निराशा आपके घर में एक लह उत्पन्न कर देती है, आपके जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देती है। अरे अगर थक चुके हैं सभी प्रकार के उपाय करके, यदि थक चुके हैं जीवन में, व्यापार में घाटा देख देख करके, तो एक बार भगवान हनुमान जी के, भगवान शंकर के, भगवान राम के शरण में जाकर के श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच को मंगवा करके धारण कर लीजिए। आपको भगवान के आशीर्वाद से व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि प्राप्त होगी और आप खुद महसूस करेंगे कि ये क्या हो गया, मेरा व्यापार इतना वृद्धि कैसे कर रहा है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हमारे साथ इतने ब्राह्मणों ने इतने दिन मिल करके इस कवच को सिद्ध किया है ताकि आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। जी बिल्कुल आचार्य जी, और यकीन मानिए दर्शकों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है हमें भी ये जानकर कि सिद्ध कवच वाकई में ही आप सभी के जीवन को लाभान्वित कर रहा है, वाकई में ही आप सभी के जीवन से वो निराशा को दूर कर रहा है, सुख की प्राप्ति आप सभी को करवा पा रहा है। यहाँ पर मैं उन दर्शकों से भी कहना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच नहीं मंगवाया है, आप भी एक बार अपना कर देखिए, हो सकता है कि आपकी भी परेशानी दूर हो जाए। यदि आप विश्वास के साथ अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर समस्या दूर होगी। स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब जानना चाहूंगी प्रथम तीन राशियों के बारे में।
मेष राशि के लिए जो आज का दिन है वो बहुत ही तनावपूर्ण व्यतीत होने वाला है। धन से संबंधित कोई कार्य नहीं करना है, जो भी करना है बहुत सोच विचार करके करना है। ना तो किसी को धन देना है और ना आज किसी से धन लेना है। दूसरी चीज, बिना भगवान गणेश जी का नाम लिए हुए कोई भी कार्य नहीं शुरू करना है। राशि वृष, स्थिर प्रकृति की राशि है, ध्यान रखें आज स्थिरता दिखाते हुए भी कोई फैसला बहुत सोच समझ करके लें। आज आपका दिन अच्छा नहीं है, परिवार में विवाद होने का योग है, आज भाग्य आपके बिल्कुल साथ नहीं है। तो एक ही काम करें, देवी जी का ध्यान करते हुए, दुर्गा जी का ध्यान करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें ताकि दिन आपका अच्छा व्यतीत तो हो। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो शाम का समय रखें, शाम को कोई विशेष कार्य करें। मिथुन राशि के लिए जो आज का दिन है वो बहुत उन्नतिपूर्ण है। आज समाज में छाए रहने का दिन है। आज जो भी करना है बेधड़क होकर के कर डालिए। जो भी बोलना है, जो भी सोचा है इतने दिन से, योजना है, आज उसको सफल करने का दिन है। तो आज उठिए और बड़ी ही एकाग्रता के साथ कार्य को कीजिए। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही अच्छे उपाय और बहुत ही अच्छा राशिफल आपने बता दिया है इन जातकों के लिए। और दर्शकों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। यदि आप भी श्री रामचंद्र मानस सिद्ध कवच मंगवाना चाहते हैं तो उस पर आप संपर्क साध सकते हैं और रिप्लेस करवा सकते हैं। यदि आपका कॉल नहीं लगता तो बिल्कुल भी निराश ना हो, लगातार व्हाट्सएप नंबर भी दिया जा रहा है, मेल आई डी भी दी जा रही है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अब आचार्य जी आगे बढ़ना चाहेंगे, कॉलर हमारे साथ एक और जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? बरेली से बोल रहा हूँ जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? एक्चुअली मेरा भाई, मैं छोटा भाई हूँ, बहुत परेशान रहता है जॉब से रिलेटेड। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। 1-8-1989। जी, जन्म का समय और स्थान बताइए। बरेली, जन्म का समय शाम 6 बजे। आपके भाई का जो दसम भाव में जहाँ से नौकरी को देखा जाता है, जो कि आपने कहा कि जॉब से रिलेटेड उसको बहुत सारी समस्याएं हैं, इस कुंडली में जॉब से रिलेटेड समस्या दिखती है, इस कारण से आपके भाई को है। जैसा कि आपके भाई का जो लग्न उदय हुआ है, धनु लग्न में इस बच्चे का जन्म हुआ है और धनु लग्न के अंदर शनि विराजमान है। धनु लग्न अग्नि तत्व लग्न मानी जाती है, जो कि व्यक्ति को बहुत क्रोधी बनाती है, बहुत गुस्सैल बनाती है समाज में वो कोई भी। लेकिन शनि विराजमान है, शनि जब भी लग्न में होता है तो व्यक्ति को आलसी और डरपोक बना देता है। वो अपनी बात कहीं भी इंटरव्यू देने जाता है और कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई इंटरव्यू देने जाता है उस इंटरव्यू को सही से क्लियर ही नहीं कर पाता है, वहां अपनी बातों को बहुत ढंग से रख ही नहीं पाता है, वहां वो डर जाता है और जब डरता है तो बाहर निकलता, उसको अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रही होती है, उस गुस्से को आकर के वो घर में निकालता है, उससे लेकर के घर के लोग बहुत परेशान होते हैं। तो मैं बहुत ही साधारण सा एक बहुत सुंदर उपाय है जिसको करके आप अपने भाई को एक अच्छी नौकरी दिलवा सकते हैं और उसको एक अच्छी नौकरी पाने में आप उसकी सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले तो घर से उसको तैयार कीजिए कि बेटा डरना नहीं, किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से जाकर के इंटरव्यू देना है, अपने कार्य को संपूर्ण करना है। दूसरा, जब भी वो जॉब पर जा रहा हो, एक कटोरी में सरसों का तेल रखें, उसमें एक सिक्का डालें, उसका फेस दिखाएं और फिर उसको जॉब के लिए भेजें। तीसरी चीज, यदि आप चाहते हैं कि वो जॉब में जाए और तुरंत उसका कार्य पूर्ण हो जाए तो फिर आप भगवान राम की शरण में जाइए। श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच का प्रयोग कीजिए, जिसके प्रयोग करने से आपके भाई के अंदर वो कॉन्फिडेंस तैयार होगा, आपके भाई के अंदर वो आत्मविश्वास तैयार होगा, उस आत्मविश्वास से वो जा करके बच्चा जो भी इंटरव्यू देगा उसमें सफलता प्राप्त करेगा और जीवन भर निर्विघ्नता पूर्वक नौकरी करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं, भगवान राम की शरण में आते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छे उपाय यहाँ पर आपको पता चल गए हैं कि आपको क्या कुछ उपाय अपनाने हैं, आपके भाई को क्या कुछ उपाय अपनाने हैं अपनी जॉब को क्लियर करने के लिए, यानी कि इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। और श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच आप मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। अब आचार्य जी आगे बढ़ना चाहेंगे, प्रथम 3 राशियों की बात हम कर चुके हैं, आगे की 3 राशियों के बारे में जानेंगे।
राशि कर्क के लिए आज यदि विद्या से संबंधित कोई काम था, पढ़ाई से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए परेशान हो रहे थे, आज का दिन भगवान हनुमान जी का नाम लेकर के निकलें, आज आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो हो जाए, मतलब वो उस पर आपको विशेष सफलता मिल जाएगी, जिससे बात करेंगे आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए वो तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़, व्यापार से संबंधित भी यदि कोई कार्य था तो आज उसके लिए प्रयास करें, आज आपका वो भी काम संपूर्ण हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी का ध्यान करते हुए ही कार्य को तैयार करें, कार्य के लिए घर से निकलें। सिंह राशि बहुत ही क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति होता है, सिंह राशि वाला सूर्य की राशि है, आज बिना सूर्य को जल दिए हुए कोई कार्य ना करें, आज क्योंकि आपका दिन अच्छा नहीं है और वो भी दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक का समय आपके लिए अच्छा है, जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वो दोपहर में करने का प्रयास करें, सुबह ना करें और सूर्य को जल देकर कार्य करेंगे, आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। कन्या राशि के लिए आज का दिन धन से संबंधित किसी भी कार्य को करने का बहुत अच्छा दिन है, बहुत दिन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, वो पास नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कतें आ रही थी, लेकिन यदि आज उसके लिए अप्लाई करेंगे, धन से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य जरूर पूर्ण होगा। एक और चीज़, माता सरस्वती का आज ध्यान करें, आपकी आज की जो इष्ट देवी हैं वो सरस्वती जी हैं, आज उनका ध्यान करते हुए कोई कार्य करेंगे, आपका कार्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो दर्शकों, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन को सफल बनाना, आप चाहते हैं कि आज का आपका दिन बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत हो, आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सके, तो जो बातें बताई हैं विशेषकर उनको ध्यान में रख के अपने दिन की शुरुआत कीजिए और फिर देखिए निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, श्री रामचरित्र मानस सिद्ध कवच आप मंगवा सकते हैं, और यदि आपकी कॉल नहीं लगती तो बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर भी कर सकते हैं। जानते हैं आचार्य जी, जैसे कि हम व्यापार की आज बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चौपाई का हम पाठ करें जो हम व्यापार में तरक्की प्राप्त कर सके? व्यापार में तरक्की प्राप्त करने के लिए और ग्रहों की कंडीशन को सुधारने के लिए, इस संसार में समस्त सुख प्राप्त करने के लिए व्यापार निर्विघ्नता पूर्वक चले, आपके जीवन को सुख समृद्धि प्रदान करे, आपकी कोई भी किसी प्रकार का कोई शत्रु आपकी आपका नुकसान ना कर पाए, उसके लिए बहुत सुंदर चौपाई है आपके व्यापार को निर्विघ्नता प्रदान करने के लिए। चौपाई ध्यान से आप सभी लोग नोट कर लीजिए, मन कामना सिद्ध नर पावा जे यह कथा कपट तज गावा। दोबारा से एक बार चौपाई सुन लें, अच्छे से इसको नोट कर लें, क्योंकि ये वो चौपाई है जो आपके व्यापार को दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि देने वाली है। मन कामना सिद्ध नर पावा और जे यह कथा कपट तज गावा। इस चौपाई को एक विशेष तरीका है करने का, बहुत उससे करना पड़ेगा, बहुत मेहनत से करना पड़ेगा, लेकिन यदि फिर भी चौपाई करने में दिक्कत हो रही है, कोई अशुद्धता हो रही है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन्हीं चौपाइयों को ढूंढ करके, ऐसे बहुत सारी चौपाइयों को ढूंढ करके हमारे विद्वान ब्राह्मणों ने दिव्य चीज़ तैयार की है, वो अद्भुत चीज़ तैयार की है, वो अमृत तैयार की है, जो आपके व्यापार को ऐसी वृद्धि प्रदान कर देगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच को मंगाइए और अपने व्यापार को दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि पाइए। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो दर्शकों, बिल्कुल भी देर ना करें, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, श्री रामचरितमानस सिद्ध चौपाई सिद्ध कवच आप मंगवाइए। चौपाई ही होती है जो आपके लिए सिद्ध की जाती है ताकि आपके जीवन को लाभान्वित कर सके, आपके जीवन में आपको लाभ प्राप्त करा पाए, आपके जीवन में जो खुशहाली नहीं थी उन खुशहाली को आपको दे पाए, मात्र यही उद्देश्य है आचार्य जी का। उद्देश्य सिर्फ यही है कि जीवन में तमाम परेशानियां जो होती हैं उनको किसी प्रकार से दूर जाए, और वर्तमान युग में श्री रामचरितमानस से बेहतर और कोई उपचार नहीं है और कोई उपाय नहीं है। तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और रिप्लेस करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे की राशि के बारे में जानते हैं। राशि तुला के लिए आज का दिन बहुत भाग दौड़ पूर्वक व्यतीत होने वाला है, आज पूरा दिन मानसिक तनाव से भरा रहेगा, वैसे भी इस राशि पर शनि का विशेष प्रभाव है, 7:30 चल रही है, आप ध्यान रखें, आज व्यापार से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ना लें, आज किसी को ना धन लें और ना किसी को धन दें, ध्यान रखें आज का दिन बहुत सावधानी पूर्वक व्यतीत करें, कोशिश करें कि आज भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के नाम का ध्यान करते हुए अपने दिन को व्यतीत करें। यदि आज सुख समृद्धि पूर्वक दिन व्यतीत करना है तो भगवान की शरण में रह करके व्यतीत करना होगा।
ये काल चक्र की आठवीं राशि है, काल पुरुष के अष्टम अंग में विराजमान ये राशि है। इस राशि में इस टाइम शनि गोचर कर रहा है। प्रति कार्य में आपके रुकावट आ रही है, लेकिन आज वो दिन है जब आपका किया हुआ प्रयास आपके व्यापार को वृद्धि प्रदान कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, प्रयास भी कब, दोपहर 12 बजे के बाद, 12 से 6 बजे तक जो भी व्यापार से संबंधित प्रयास करेंगे उस प्रयास में सफलता प्राप्त होगी और आपका दिन सुखमय व्यतीत होगा। थोड़ा सा ध्यान परिवार पर दें, बहुत दिन से आप परिवार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, जिस कारण से आपका परिवार थोड़ा सा आपसे खफा है। दूसरी चीज, व्यापार से संबंधित भी यदि कोई कार्य था तो आज उसके लिए प्रयास करें, आज आपका वो भी काम संपूर्ण हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी का ध्यान करते हुए ही कार्य को तैयार करें, कार्य के लिए घर से निकलें। आज आपका दिन बहुत ही सुंदर व्यतीत होने वाला है। आज जो भी काम करना चाहते हैं निर्भीकता पूर्वक उस कार्य को पूर्ण करें। आज जो भी फैसले लेने थे आपको व्यापार से संबंधित, उस फैसले को लें। आज आपका फैसला एकदम सटीक बैठने वाला है। आज आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। आज का दिन बहुत सुखपूर्वक व्यतीत होने वाला है, तो ध्यान रखें परिवार के साथ समय बिताते हुए आज के दिन को सुखपूर्वक व्यतीत करें, मेरी यही शुभकामना है आपके साथ। फिर प्रकृति की राशि, लेकिन इस राशि के लोग यदि नौकरी की तलाश कर रहे थे, बहुत दिन से आपकी वो तलाश पूर्ण नहीं हो रही थी, आज ध्यान रखें, भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए नौकरी के लिए निकलें। भगवान हनुमान जी आपको नई नौकरी प्रदान कर देंगे। और अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो हनुमान जी का ध्यान करें, आज आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। तो आज सब कुछ आपके लिए हनुमान जी ही। जिस भाव प्रकृति की, जल तत्व की राशि, यदि कोई भी कन्या की शादी नहीं हो रही थी, या कोई भी वर हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी, या परिवार में आपके संतान की शादी नहीं हो रही थी, तो आज देर क्यों कर रहे हैं, आज ही तो वो दिन है जब आप इस कार्य के लिए बाहर निकलेंगे, इस कार्य के विषय में सोचना प्रारंभ करेंगे और ये कार्य संपूर्ण हो जाएगा। तो फिर बिल्कुल ही निर्विघ्नता से भगवान गणेश जी का, निर्विघ्न को देने वाले विघ्न के हरण भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए शादी के संबंध में जो प्रयास करेंगे वह सफल होगा। मेरी शुभकामना है आपके साथ कि आपका दिन सुखपूर्वक व्यतीत हो। जी बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं दर्शकों, जिस विशेष दिन का आप सभी को इंतजार था वो विशेष दिन आ चुका है। बस पहल करने की जरूरत है, पहल कीजिए और निश्चित तौर पर आपके काम जरूर बनेंगे। टीवी स्क्रीन पर दर्शकों लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपना श्री रामचरित्र मानस सिद्ध कवच बनवाना चाहते हैं तो संस्थान में आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। सभी प्रकार की यहाँ पर सुविधा आपको दी जा रही है। जो भी सुविधा आप अपना चाहते हैं उस सुविधा को अपनाते हुए अपना प्रश्न आप कर सकते हैं, उसी के अनुसार आपको उत्तर दिया जाएगा, समाधान आपको जरूर प्राप्त कराया जाएगा। अब आचार्य जी, समय हो चुका है आज के विशेष उपाय का, क्योंकि आज का जो दिन है वो व्यापार से संबंधित था और धन की देवी कौन है, लक्ष्मी जी। तो आज का उपाय भी इसी से संबंधित है। एक लाल पुष्प लेकर के देवी लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए। यदि लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति आपको नहीं मिल रही है तो माता सीता को चढ़ा दें। माता सीता आप पर अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगी। माता सीता एक ऐसी देवी हैं कि उन्होंने एक ही बार किसी को आशीर्वाद प्रदान किया है। जिनको माता सीता ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया उनका जीवन सुखमय हो गया। आपको याद होगा रामचरितमानस के अंतर्गत सिर्फ हनुमान जी को माता सीता ने आशीर्वाद प्रदान किया, और जैसे ही माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान किया, हनुमान जी ने कहा कि अब जो मेरा मनोरथ था वो पूर्ण हो जाएगा, मेरा जो जीवन था वो सफल हो जाएगा। तो आज यदि माता सीता को कोई लाल पुष्प ले जाकर के चढ़ा देंगे, उनके आशीर्वाद से आपका दिन, आपका व्यापार, आपका परिवार सुख समृद्धि पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करेगा। और अगर आगे चाहते हैं कि राम जी की और माता सीता की विशेष कृपा आप पर प्राप्त हो जाए तो आप श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच को अपने जीवन में धारण कीजिए। अरे ये वही रामचरितमानस है जिनको प्राप्त करके लोगों ने अपने जीवन को बहुत ही उन्नति में बना लिया है, अपने जीवन को बहुत सुखमय बना लिया है। ये वही रामचरितमानस है, उन्हीं हनुमान जी का आशीर्वाद है इस कवच पर, जिसको पा करके विभीषण एक छोटे से व्यक्ति से राजा बन गया।
तो इस कारण से इसको मंगाइए और अपने दिन को, अपने जीवन को सुखी बनाइए। बिल्कुल आचार्य जी, आपने कहा कि यदि आज हम माता सीता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी हम कार्य सोच रहे हैं वो पूरे होंगे। अब एक और प्रश्न उठता है कि विशेष अगर हम करना चाहते हैं, आराधना विशेष करना चाहते हैं, तो विशेष मंत्र भी होना चाहिए, वो विशेष मंत्र कौन सा हो सकता है, आपके माध्यम से जानूंगी। माता सीता के लिए बहुत ही सुंदर मंत्र है। माता सीता, आप लोगों को पता है कि जब राम जी के दर्शन पुष्प वाटिका में, जब उन्होंने राम जी का दर्शन किया तो गौरा जी ने एक आशीर्वाद दिया था, मनु जाहि राचहु मिलहि सो बर सहज सुंदर सांवरो। वो जो आशीर्वाद था वो माता सीता को बहुत ही प्रिय लगा था, बहुत प्रसन्नता हुई थी उस आशीर्वाद को सुन करके। तो यदि ये एक छोटा सा दोहा है कि मनु जाहि राचहु मिलहि सो बर सहज सुंदर सांवरो, अगर इस चौपाई का आप लोग स्मरण करेंगे, इस चौपाई को लिख करके भी माता सीता के चरणों में अर्पण करेंगे, माता सीता का ध्यान करते हुए इस चौपाई का प्रयोग करेंगे, तो माता सीता का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपका दिन, आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, हमेशा की तरह एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी निरंतर आप हमारे दर्शकों को देते हैं, साथ ही साथ बताते हैं कि कौन सी चौपाई उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगी वर्तमान युग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। यही कहूंगी कि आज तो आप सभी के लिए खजाना खुल चुका है, आज विशेष मंत्रों की वर्षा हो चुकी है कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत ही विशेष विशेष मंत्र आचार्य जी ने आप सभी को बताया कि कौन सी पूजा पाठ अगर आपको करनी है विशेष, जैसे कि कहा सीता माता की पूजा अगर आप करते हैं तो विशेष मंत्र कौन सा हो सकता है वो आपको बताया, विशेष चौपाई आज आप कौन सी कर सकते हैं अपने व्यापार को वृद्धि प्रदान करने के लिए वो आपको बताए, साथ ही साथ विशेष उपाय जैसे कि रोजाना हम आपको बताते हैं वो भी आपको बताया कि यदि आप अपने दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं, दिनचर्या को सकुशल व्यतीत करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं अपने जीवन में प्रगति प्राप्त करना तो कैसे कर सकते हैं। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं, श्री रामचरित्र मानस सिद्ध कवच यदि आप मंगवाना चाहते हैं, सब पूरी डिटेल्स आप संस्थान में दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म का समय बताइए, जन्म स्थान बताइए, फिर उन डेट ऑफ बर्थ के अनुसार या फिर ये कहें कि आपकी डिटेल्स के अनुसार आपका सिद्ध कवच तैयार किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कौन सी अवधि में आप उसको धारण कर सकते हैं और फिर देखिए उसका चमत्कार, आपका जीवन बदल जाएगा, तमाम जो कष्ट आप निरंतर झेल रहे थे वो दूर हो जाएंगे। हम सभी यही तो चाहते हैं। लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क साध सकते हैं। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जीवन में अनेकों समस्याएं हैं, हर प्राणी किसी ना किसी समस्या से परेशान है, किसी को व्यापार में समस्या है तो किसी को शादी की समस्या या संतान सुख की समस्या है, पर अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आचार्य राज मिश्रा जी ने अनेकों वर्षों की साधना कर आपके लिए सिद्ध किया है पावनकारी मंगलमय व जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने हेतु श्री रामचरित्र मानस सिद्ध कवच। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आज ही श्री रामचरित्र मानस सिद्ध कवच मंगवाएं और अपने कष्टों को दूर भगाएं। संपर्क करें 9540836469 9821533727 9933331303। हमारा पता है आचार्य राज मिश्रा 198/37 रमेश मार्केट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नियर सपना सिनेमा, नई दिल्ली 65। फोन नंबर्स 9540836479 9821533727 9935333103। फेसबुक पेज दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ईमेल आईडी है आचार्य राज मिश्रा @gmail.com।